प्रभास की फिल्म आदिपुरुष इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां इस फिल्म पर जमकर विवाद हुआ है और जहां मेकर्स कभी इसके डायलॉग्स को लेकर ट्रोल हुए तो कभी सितारों की कॉस्ट्यूम और लुक पर सवाल उठाए गए, वहीं इस पर तमाम सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिए हैं, जिसके बाद आदिपुरुष के कारण ही रामानंद सागर की रामायण भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि बीते दिनों खबर आई थी कि इसको टीवी चैनल पर फिर से प्रसारित किया जाना है। वहीं रामानंद सागर की रामायण की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा है, जहां इस सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जैसा राम आज तक कोई नहीं बन पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम के किरदार के लिए अरुण गोविल पहली पसंद नहीं थे? दरअसल अरुण गोविल का हमेशा से कहना रहा है कि राम के किरदार ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। दरअसल एक बातचीत के दौरान अरुण गोविल ने बताया था कि रामानंद सागर जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और जहां उनके बेटे प्रेम सागर, आनंद सागर और मोती सागर ने कहा कि मैं भरत या लक्ष्मण का किरदार कर लूं, लेकिन मैंने कहा मुझे राम का किरदार करना है, अगर मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं हूं तो कोई बात नहीं। वहीं अरुण गोविल ने आगे भी बताया कि बाद में मेकर्स ने राम के किरदार के लिए किसी और को ले लिया था, लेकिन बाद में मेकर्स का अरुण गोविल के पास फोन आया और उन्होंने कहा कि राम का किरदार तुमको ही करना है। वहीं इस तरह से अरुण गोविल रामानंद सागर की रामायण में राम बने। वैसे अरुण गोविल को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।